गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट. टुडे आई विल टीच यू SST. द यूनिवर्स इज एन इन्फिनिटी एक्सपेंस इन विच ऑल मैटर स्टार्स प्लानट सैटेलाइट इट्स एक्सिस्ट. यूनिवर्स से बहुत बड़ा ब्रह्मांड बहुत अनंत और असीमित है जिसमें विभिन्न प्रकार के क्षुद्र ग्रह प्लानट्स उपग्रह और तारे शामिल हैं. द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी रिगार्डिंग द क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स इज द बिग बैंग थ्योरी. जानकारी के अनुसार एक बहुत बड़ा सिद्धांत जो प्रसिद्ध है उस वह सिद्धांत ब्रह्मांड के बारे में बताता है. इस इट स्टेट दैट इन द बिगिनिंग ऑल मैटर गैसेस एंड डस्ट पार्टिकल ऑल द एलिमेंट वॉज कंटेंट इन द ह्यूज इन ह्यूज. और उस कथन के अनुसार ये बताया गया है कि शुरुआत में जो बिग बैंग थ्योरी थी उसके अनुसार एक बहुत बड़ा गैस और डस्ट पार्टिकल एलिमेंट्स का जो एक बहुत बड़ा गोला था आग का गोला था जिसके आपका गोलता बाद उन्होंने कंटिन्यू यूज बर्निंग बॉल ऑफ फायर विच एक्सप्लोडेड विथ ए बिग बैंग. और वह बहुत बड़ा धमाके के साथ में विस्फोट हुआ. मैटर वाज थ्रोन इन ऑल डायरेक्शन एज रिजल्ट ऑफ दिस जिग्नेटिक एक्सप्लोशंस. और उसका यह परिणाम निकला कि वह मैटर सारे जगह फैल गया, सभी दिशाओं में फैल गया. दिस मैटर फॉर्मेड गैलेक्सी ऑफ स्टार. और उसी मैटर के द्वारा गैलेक्सी आकाशगंगा और तारों का निर्माण हुआ. मिलियन ऑफ सच गैलेक्सी वर फॉर्मेड. लाखों आकाशगंगाएं ब्रह्मांड में विद्यमान है इज कंटेनिंग मिलियन ऑफ स्टार्स. और प्रत्येक गैलेक्सी के अंदर लाखों तारे हैं. आवर ऑन सन बिलोंग टू द गैलेक्सी कॉल्ड द मिल्की वे. हमारा सूर्य भी मिल्की वे आकाशगंगा से संबंधित है. द नियरेस्ट गैलेक्सी टू मिल्की वे इज एंड्रोमेडा 2 मिलियन लाइट ईयर अवे. जो पृथ्वी के सबसे पास में जो मिल्की वे आकाशगंगा है उसका नाम एंड्रोमेडा है जो पृथ्वी से 2 मिलियन प्रकाश वर्ष दूरी पर है. All the bodies that we see in the sky are called heavenly or celestial bodies. सारी जित आकाश में दिखाई देने वाले सारे गैसीय जो संरचनाएँ हैं वह गैसों के द्वारा बनी हुई है. सबसे पहले हम इसमें स्टार्स पढ़ेंगे. ए हेवनली बॉडी द ग्लो ब्राइटली बाय प्रोड्यूसिंग ओवन हीट एंड लाइट इज कॉल्ड ए स्टार. एक बहुत बड़ी गैसों से बनी संरचना जो हमें गर्मी और प्रकाश प्रदान करती है वह है स्टार्स. तारे. स्टार आर बर्निंग मैसेस ऑफ गैस विच प्रोड्यूस ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट. जो तारे हैं वह गैसों के द्रव्यमान से बना है और वह बड़ी भारी मात्रा में उसके अंदर गर्मी और लाइट होती जो उसके स्वयं की लाइट होती है. द सन इज ए स्टार लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम. सूर्य भी एक प्रकार का तारा है जो सोलर सिस्टम में सौर ग्रह के या सौर मंडल के मध्य में पाया जाता है. द नियरेस्ट स्टार टू अवर सोलर सिस्टम आर अल्फा सेंचुरी एंड प्रोक्सीमा सेंचुरी विच आर अबाउट 4.3 लाइट ईयर अवे फ्रॉम अवर सन. द नियरेस्ट स्टार टू अवर सोलर सिस्टम आर अल्फा. और सूर्य सोलर सिस्टम के सौर मंडल के सबसे पास में जो तारा है वह है सेंचुरी एंड प्रोक्सीमा सेंचुरी. वह लगभग 4.3 प्रकाश वर्ष सूर्य से दूरी पर है. सेकेंड जो ब्रह्मांड में हम पढ़ते हैं वह कंस्टेलेशंस यानी तारकीय मंडल. सम स्टार्स कलेक्टिवली फॉर्म डिस्टिंक्टली रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न इन द नाइट स्काई. कुछ तारों का ग्रुप हम लोग साफ तौर पर आकाश में देखते हैं रात के समय. दिस पैटर्न आर कॉल्ड कंस्टेलेशंस. इसको हम तारकीय मंडल कहा जाता है. सम वेल नॉन कंस्टेलेशन आर द ग्रेट बियर ऑल्सो कॉल्ड उर्सा मेजर लिटिल बियर उर्सा माइनर ओरियन द हंटर स्कॉर्पियो द स्कॉर्पियन कैनिस मेजर द ग्रेट डॉग लियो द लॉयन एंड टॉरस द बुल. और वो सभी जो तारों का मंडल होता है उस तार के मंडल में आकृति के अनुरूप हम लोग उसे लिटिल बियर कहे जाते हैं, ओरियन हंटर कहा जाता है, स्कॉर्पियो बिच्छू के रूप में, लियो सिंह के रूप में और टॉरस बुल के रूप में इसको हम मापते हैं. द ग्रेट बियर कंस्टेलेशन इज शेप्ड लाइक एन इंट्रोगेशन मार्क. और जो आकाश में जो सबसे अधिक ब्रह्मांड में दिखाई देने वाला जो विभिन्न दूर पे जो तारकीय मंडल है वो ग्रेट बियर कहा जाता है. उसका शेप इंट्रोगेशन मार्क यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह के रूप होता है. एंड इट्स बेस ऑलवेज पॉइंटेड टूवर्ड द पोल स्टार. और उसका आधार हमेशा पोल स्टार के अनुरूप होता है. द पोल स्टार ऑलवेज पॉइंट टू द नॉर्थ. पोल स्टार यानी ध्रुव तारा हमेशा नॉर्थ दिशा में दिखाई देता है. द सोलर सिस्टम. सोल मीन्स सन एंड सिस्टम रेफर टू इट्स फैमिली. सोल का अर्थ होता है सूर्य एंड सिस्टम रेफर टू इट्स फैमिली. सिस्टम का अर्थ होता है जो फैमिली को
चलाने वाला या फैमिली को लागू करने वाला. द हेवनली बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड इन द डिफिनिट ऑर्बिट, जो भारी संख्या में सूर्य के चारों तरफ भारी मात्रा में जो संरचनाएँ अपने पथ पर, अपने निश्चित पथ पर, ऑर्बिट पर परिक्रमा लगाते हैं, दिस हेवनली बॉडीज दैट कंस्टिट्यूट द सोलर फैमिली आर द एट प्लैनेट एंड द सैटेलाइट मून मैटर कॉमेट एस्टेरॉइड्स. और इस सोलर फैमिली के अंदर विभिन्न प्रकार के एट प्लैनेट्स होते, यानी कि आठ ग्रह होते हैं, साथ में क्षुद्र ग्रह होते हैं, उपग्रह होते हैं और उल्काएँ पाई जाती हैं. सबसे पहले हम इस सोलर सिस्टम में द सन, सूर्य के बारे में पढ़ेंगे. द सन इज द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम. सूर्य सौर मंडल का केंद्र बिंदु है एंड ऑल द हेवनली बॉडीज इन द सोलर सिस्टम आर बाउंड टू इट बाय द फोर्स ऑफ इट्स ग्रेविटी. और सोलर सिस्टम में पाए जाने वाले जितने भी ग्रह हैं, उल्काएँ हैं, वह सभी सूर्य की ग्रेविटी से, गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बंधे हुए होते हैं. द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द सन इज 6000 डिग्री सेल्सियस एंड द डिस्टेंस बिटवीन एंड ऑल द हेवनली बॉडीज इन द सोलर सिस्टम आर बाउंड टू इट बाय द फोर्स ऑफ इट्स ग्रेविटी. और सोलर सिस्टम में या सौर मंडल में पाए जाने वाले ग्रह, तारे, वह सभी सूर्य की ग्रेविटी से बंधे हुए होते हैं. द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द सन इज 6000 डिग्री सेल्सियस एंड द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन इज़ अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर्स. जो सूर्य का सरफेस सतही तापमान होता है वह 6000 डिग्री सेल्सियस होता है. साथ में सूर्य की और पृथ्वी की दूरी लगभग 150 लाख किलोमीटर है. द सन इज़ वेरी बिग बट देर आर मैनी अदर स्टार्स देट आर मच बिगर देन द सन. सन बहुत बड़ा है, सूर्य बहुत बड़ा है, लेकिन इसके अलावा विभिन्न प्रकार के तारे और जो सूर्य से भी अधिक मात्रा में बड़े हैं. द प्लैनेट्स आर स्पेरिकल्स इन साइज शेप बट आर द डिफरेंट साइज एंड ऑफ डिफरेंट कंपोजिशन. जो प्लैनेट्स से जो ग्रह है वो गोलाकार आकृति के होते हैं, लेकिन उनकी साइज विभिन्न प्रकार की होती है. मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स आर रॉकी, वाइल जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून आर कंपोज्ड ऑफ लिक्विड एंड गैसेस. जो एट प्लैनेट है या आठ उपग्रह है, इसके अंदर मर्क्यूरी, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल और इसके अलावा जो रॉकी पथरीले जो ग्रह पाए जाते हैं, जुपिटर, बृहस्पति, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, यह लिक्विड और गैसों का मिश्रण से हैं. मर्क्यूरी इज द नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन. सूर्य के सबसे अधिक पास में जो प्लैनेट है, ग्रह है, वह मर्क्यूरी यानी कि बुध है एंड नेपच्यून आर सन बट नॉट द हॉटेस्ट, परंतु यह गर्म नहीं है. विनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट एज इट्स एटमॉस्फेयर मेनली कंसिस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ए गैस विच ट्रैप्स हीट. विनस बहुत ही गर्म प्लैनेट है, जो एटमॉस्फेयर में यानी वायुमंडल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, छोड़ता है, ए गैस भी ट्रैप हीट, और गैस के कारण वायुमंडल में बहुत अधिक मात्रा में गर्मी बढ़ जाती है. वीनस इज ऑल्सो कॉल्ड द अर्थ्स ट्विन प्लैनेट एज बोथ आर अबाउट द सेम साइज. वीनस को यानी शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है, क्योंकि वह शेप के आधार पर पृथ्वी के जैसा ही दिखाई देता है. सैटर्न हैज मैनी रिंग्स कंपोज ऑफ डस्ट एंड आइस अराउंड इट. सैटर्न मीन्स शनि. शनि के चारों तरफ एक रिंग पाई जाती है जो डस्ट और आइस यानी बर्फ के द्वारा निर्मित होती है. यूरेनस एंड नेपच्यून ऑल्सो हैव रिंग्स अराउंड देम. यूरेनस और नेपच्यून भी, इनके भी चारों तरफ रिंग पाई जाती है, विच कैन ओनली बी सीन फ्रॉम द अर्थ थ्रू ए पावरफुल टेलीस्कोप. हम सिर्फ इसको एक शक्तिशाली या बहुत ही मजबूत टेलीस्कोप के द्वारा, दूरबीन के द्वारा इनको देख सकते हैं. ऑल प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन एलोंगेटेड ऑर्बिट. सारे प्लैनेट, सारे ग्रह सूर्य के चारों तरफ एक परिक्रमा पथ लगाते हैं और चारों तरफ वह एक ऑर्बिट परिक्रमा पथ पर घूमते हैं. नेक्स्ट पढ़ेंगे हम एस्ट्रॉइड्स.
शुद्र ग्रह, ए बेल्ट ऑफ ब्रोकन रॉक्स एंड डेब्रिस ऑफ ए प्रोबेबली एक्सप्लोडेड प्लैनेट लाइन बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। जुपिटर और मार्स यानी बृहस्पति और मंगल के बेल्ट में बीच में बहुत से छोटे छोटे रॉक के यानी पथरीले छोटे छोटे धूल के कण और पथरीले प्लैनेट पाए जाते हैं। दिस रिलेटिवली स्मॉल रॉकी बॉडीज आर कॉल्ड एस्टेरॉइड। इन सभी छोटे छोटे धूली कणों को पथरीले कणों को एस्टेरॉइड कहा जाता है या क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। दे वेरी इन साइज एंड द लार्जेस्ट एस्टेरॉइड इज कैट्स हैविंग एन एस्ट्रोनॉमिकली डायमीटर ऑफ 700 किलोमीटर। ये सभी साइज में बड़े होते हैं और इनका डायमीटर यानी इनका व्यास 700 किलोमीटर के लगभग होता है। मैटर्स उल्कापिंड। यू मस्ट हैव बी ऑफन सीन ब्राइट स्ट्रीक ऑफ लाइट फ्लैशिंग इन ए नाइट इसके फॉर ए फ्यू मोमेंट। तुम लोग अधिकांश देखते हो कि रात के समय आकाश के अंदर कोई तारा नज़र आता है जो टूटता हुआ होता है। वी कॉल दिस शूटिंग स्टार बट दिस आर इन फैक्ट ब्रोकन पीसेस दैट सेपरेट फ्रॉम एस्ट्रॉयड एंड दिस रॉक्स इंटर अर्थ एटमोसफेयर एट ग्रेट स्पीड। हम उसे टूटता तारा नहीं कह सकते हैं क्योंकि लेकिन वह क्या होता वी कॉल दैट शूटिंग स्टार। हम उसे टूटता हुआ तारा कहते बट देज आर इन फैक्ट ब्रोकन पीस दैट सेपरेट फ्रॉम एस्ट्रॉइड्स। परंतु वह इसका मुख्य तथ्य यह है कि वह टूटा हुआ सेपरेट पीस होता है जो एस्ट्रॉइड के द्वारा टूटा जाता है या शुद्ध ग्रह से टूटा हुआ होता है। एंड दिस रॉक्स एंटर अर्थ एटमोसफेयर एट ग्रेट स्पीड। और वह बहुत ही वह रॉकी जो पदार्थ चीज़ होती है वह बहुत ही स्पीड से एटमोसफेयर पृथ्वी के एटमोसफेयर या वायुमंडल में प्रवेश करता है। ड्यू टू फ्रिक्शन विथ एटमोसफेयरिक डस्ट एंड गैस मोस्ट ऑफ दिस रॉक्स बर्न आउट कंप्लीटली। थक गई बहुत।